Hello everyone, can you write the time 20 minutes to 4 in numbers without using a clock? No? Can you write the time 1:50 in words without using a clock? No? So this video is just for you. Hello everyone and welcome to my YouTube channel Bofo Maths. I am Neha, your mentor for today. And today, हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं विच इज़ कन्वर्जन बिटवीन टाइम इन वर्ड्स एंड टाइम इन नंबर्स। अभी तक हमने देखा कि टाइम को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, टाइम इन वर्ड्स एंड टाइम इन नंबर्स। अब क्वेश्चन एग्जाम में आता है, राइट 20 मिनट्स टू 4 इन नंबर्स। अब इसको सॉल्व करने के लिए बच्चे पहले क्लॉक बनाते हैं, उसमें इस टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं, फिर टाइम इन नंबर्स लिखते हैं एंड दैट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। आज हम एक ट्रिक सीखेंगे जिसमें ये कन्वर्जन्स विद इन 10 सेकेंड्स कर पाएंगे। सो मैथ्स का डर करते हैं छू मंतर। लेट्स स्टार्ट पार्ट वन वेयर वी आर कन्वर्टिंग टाइम इन वर्ड्स इंटू टाइम इन नंबर्स। नाउ द टाइम इन वर्ड्स कैन बी लाइक 20 मिनट्स पास 2, 10 मिनट्स टू 9। तो बेसिकली इसमें हमें पास्ट और टू का ध्यान रखना है। अब जब क्वेश्चन में पास्ट होगा तो हम सीधा क्रॉस करेंगे, दैट मीन्स आवर्स और मिनट्स को इंटरचेंज करके लिखेंगे, और जब क्वेश्चन में टू है तो हमें करना है माइनस। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जांपल। हियर द क्वेश्चन इज, राइट द टाइम इन नंबर्स। ये जो टाइम गिवन है ये वर्ड्स में है जिसमें पास्ट का और टू का यूज हो रहा है। आपको इस टाइम को लिखना है नंबर्स में। नंबर्स मींस जैसे डिजिटल क्लॉक में टाइम होता है उस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ जब हम टाइम नंबर्स में लिखते हैं, बेसिकली पहले आवर्स होता है और बाद में मिनट्स होता है। अब हमें ट्रिक क्या यूज करनी है, जब आपके पास पास्ट है तो आपको सिर्फ क्रॉस करना है। तो फोकस हमारा रहेगा इस पार्ट पे, लुक एट दिस पार्ट, इट इज पास्ट सो जस्ट क्रॉस। तो 4 आपका आ जाएगा यहां पे और 20 आपका आ जाएगा यहां पे। सो व्हाट इज द टाइम इन नंबर्स, दिस इज टाइम इन नंबर्स एंड द टाइम इन नंबर्स इज 4:20। 4 यहां लिख दिया और 20 मिनट्स बाद में। सो इजी, जब पास्ट होगा जस्ट क्रॉस, इंटरचेंज द पोजिशंस। नाउ लेट्स टेक द सेकेंड एग्जाम्पल। हेयर अगेन फोकस ऑन 2। हमें इस 5 मिनट्स टू 7 को लिखना है नंबर्स में। फोकस किस पे करेंगे, इस वाले पार्ट में। ट्रिक क्या यूज करेंगे, वेन इट इज 2 वी विल डू माइनस। अब माइनस किसको करना है यहां देखते हैं। इसको हिंदी में कैसे बोलते हैं, 5 मिनट के बाद 7 o'clock होंगे। अभी 7 o'clock नहीं हुए हैं, अभी 7 o'clock होंगे। कब होंगे, 5 मिनट के बाद। तो 5 मिनट के बाद आपके जो मिनट हैंड है वो पहुंच जाएगी 12 पे, पूरे 60 मिनट्स। तो अभी 5 मिनट्स पीछे है, मिनट हैंड पीछे है मतलब माइनस। सो हम करेंगे 60। टोटल मिनट्स जो एक क्लॉक में होते हैं वो 60 होते हैं। 60 माइनस 5, 60 से क्यों माइनस कर रहे हैं, बिकॉज 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, एक क्लॉक में टोटल 60 मिनट्स होते हैं, इसलिए 60 से ही 5 मिनट्स को माइनस करना है, दैट इज 55 मिनट्स। तो माइनस कर दिया मिनट्स को और अब हम लिखेंगे टाइम इन नंबर्स। पहले लिखते हैं आवर्स और बाद में लिखते हैं मिनट्स। तो कितने आवर्स हैं, 7 o'clock अभी हुए नहीं है, इट होने वाले हैं, तो अभी हैं 6 और मिनट्स 55। सो द मिनट हैंड इज एक्चुअली ऑन द नंबर 11, 6:55। सो दिस इज टाइम इन नंबर्स। सो चिल्ड्रन यू कैन सी विदाउट ड्रॉइंग द क्लॉक we can actually convert the time in words into time in numbers by using a small trick. And what was that? When we have passed, so we will just cross and write the time. So easy. And when we have two, we have to do subtraction.
60 से गिवन मिनट्स को माइनस कर देंगे. सो विल गेट 55 मिनट्स हियर और 7 यहां नहीं आएगा. कुछ बच्चे 7 यहां लिख देते हैं और 5 यहां पे. नहीं, ये क्रॉस आपको सिर्फ पास्ट के केस में करना है, 2 के केस में नहीं करना. 2 के केस में माइनस करते हैं. तो 7 आवर्स अभी हुए नहीं है, तो अभी 6 हैं, पीछे वाले आवर्स हैं अभी. सो इट्स 6:55. द मिनट हैंड इज ऑन द नंबर 11. सो लेट्स टेक Part 2. So let's discuss the second part of the video, which is converting time in numbers into time in words. Now, time in numbers kaise hota hai? Time in numbers hamara hota hai jaise 6:15 ya 7:40. Aur hame likhna hai time in words. Time in words mein hame kya chahiye? Hame 2 chahiye aur past chahiye. Ab kaise pata chalega isme 2 aayega ya past aayega? So let's see. अभी मिनट्स को पे फोकस करते हैं. मिनट्स आपके हैं 15, मतलब मिनट हैंड इज ऑन द नंबर 3 एंड विच इज राइट साइड. सो वी आर यूजिंग पास्ट, राइट? सो हाफ ऑफ द क्लॉक इज एंड्स एट 30. हाफ मिनट्स कब हो जाते हैं? 30 मिनट्स में. सो व्हेन द मिनट्स आर लेस देन 30, मिनट हैंड विल ऑलवेज बी ऑन द राइट साइड. तो हम यूज करेंगे पास्ट. अब जब मिनट्स आपके 30 से ज्यादा हैं, like 40, here the minute hand is on the number 8, so we are using 2. So when the minutes are more than 30, 31, 32, 33 and so on, more than 30, to hum use karenge 2. Bas, ye dhyan rakhna hai. Aur 30 agar hai, tab bhi past hi use karein, which is half past, right? So minutes less than 30, past, minutes more than 30, 2. So what we have discussed, when we have to convert time in numbers into time in words, we have to use the following trick. When the minutes are less than 30, we have to use past. And when the minutes are more than 30, we will be using 2. So let's take example. So let's take first example. It is 7:25. So where we have to concentrate? We have to concentrate on minutes. अब हमें decide करना है, because हमें words में लिखना है time. तो हमें ये देखना है कि past use होगा या to use होगा. As you can use the trick, when the minutes are less than 30, we will be using past. और जब past use करते हैं, तो हम सिर्फ इसको, because time in words लिख रहे हैं, तो minutes पहले आएगा. So just write 25 minutes, use past 7. So this is time in words, right? Now let's take second example. Again, look at the minutes part. Here the minutes are more than 30. More than 30. So as we can see the trick, when the minutes are more than 30, hum use karenge 2, because minute hand hogi left side pe. So yahan aa jayega hamara 2. और हम करेंगे माइनस. 2 में तो हमेशा ही माइनस करना होता है, रिमेंबर दिस. सो माइनस क्या करेंगे? सेम 60 ही माइनस करेंगे फ्रॉम दिस 50. नाउ 60 माइनस 50 इज कमिंग आउट टू बी 10. 8:50 का मतलब है 10 मिनट्स के बाद 9 o'clock होंगे. सो 10 मिनट्स वी विल बी यूजिंग 2. नाउ व्हाट वी विल राइट हियर? We will not do 8 minus 1. यहाँ भी minus नहीं करेंगे. यहाँ थोड़ा logic लगाओ. 10 मिनट के बाद obviously अभी 8 है, तो 9 ही होने वाले हैं. 10 minutes to 9. So that is time in words. So what we have done? Let's revise. We have to focus on the minutes part. When minutes are less than 30, we have to use past. So the answer is 25 minutes past 7. यहाँ 25 क्यों आया है? Because जब हम time words में लिखते हैं ना, तो minutes पहले आते हैं, right? Second part 8:50. Here the minutes are more than 30. 50 30 से बड़ा number होता है. तो क्या करेंगे? 2 लगाएंगे और minus करेंगे. 60 हमेशा minutes ही minus करते हैं. 60 minus 50 10. So 10 minutes to 10 minutes के बाद 9 o'clock. Simple. This is time in words. So let's take third example. 4:30. Here the minute hand is on the number 6, which is halfway. So as we have discussed this in the previous video, the time will be half past 4. So jab 30 pe hai, 30 aadha hota hai, it is midway, to hum use karte hain past. So it's half past 4. I hope
आपको ये वीडियो समझ में आया है, आपका जो डाउट है वो अच्छे से क्लियर हो गया है. सो प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो विद अदर्स, बिकॉज एज आई टोल्ड यू, मैं चाहती हूँ कि ये कंसेप्ट, ये ट्रिक सबको समझ में आए और वो अपना आंसर फटाफट से निकाल सकें. सो प्लीज लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय.